एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के लिए साजिश रच रहे हैं इमरान खान। अकील मलिक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पाक सरकार में कानूनी मामलों के प्रवक्ता हैं अकील मलिक, जिन्होंने खुलासा किया है इमरान खान को लेकर। कहा कि पीटीआई को पाक सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, देश के खिलाफ प्रचार किया। अकील मलिक ने आरोप लगाया इमरान खान पर, विदेशों में पाकिस्तान विरोधी प्रचार को बढ़ावा दिया। इमरान खान को लेकर ये बड़े आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के कानूनी मामलों के प्रवक्ता बैरिस्टर अकील मलिक ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी राज्य विरोधी गतिविधियां और प्रचार बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई को पाकिस्तानी सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मलिक ने पीटीआई को सुझाव दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचाने के बजाय राजनीतिक मुद्दों पर समाधान पर विचार करें। कई चौंकाने वाले खुलासे वो कर रहे हैं। अजय हमारे साथ हैं इस वक्त, अजय जांडियाल, क्योंकि लगातार इमरान खान और सरकार के बीच बातचीत की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच अकील मलिक ने जो ये आरोप लगाए हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, साफ हो जाता है कि अभी भी दोनों पार्टियों के बीच में जो कहा जा रहा था कि कुछ बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं या बातचीत हो सकती है, उसके कहीं ना कहीं बीच में ये जो बयानबाजी आई है और इमरान खान को लेकर जो बयानबाजी हुई है, वो कहीं ना कहीं बताती है कि इतनी जल्दी ये चीज़ें होंगी नहीं। और पाकिस्तान में ना तो सियासी दल ऐसा चाहेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसे कई नेता और भी होंगे सियासी दलों में जो चाहते नहीं होंगे कि इस तरह। बिल्कुल, कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान और सरकार के बीच बातचीत हो, सुलह हो और इमरान खान जेल से बाहर आएं। पीटीआई पर आरोप लगाए जा रहे हैं अकील मलिक की ओर से, और उन्होंने ये कहा कि देश के खिलाफ प्रचार किया है इमरान खान ने, देश विरोधी उनकी गतिविधियां रही हैं। पीटीआई पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, चेतावनी भी दी है कि सरकार किसी भी राज्य विरोधी एजेंडे या नैरेटिव की परमिशन नहीं देगी। पीटीआई की देश से दुश्मनी की कोई मिसाल नहीं, क्योंकि वो दूसरे देशों में पाकिस्तान विरोधी कानून ला रही है।